उर्वी। हाँ जी। मेरी चाय कहाँ है, जल्दी लाओ ना। आ गई जी, ये ले काकी। अरे अगवे विनीता मौसी। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। कैसे हो मौसी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आओ बैठो। क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई। काकी साइली की शादी पक्की हो गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक्स। बधाई हो बेटा। थैंक यू। और 3 दिन के बाद उसका साकर पूरा है और आप सबको आना है। तुम चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। आप बैठो, मैं चाय लेकर आती। नहीं नहीं, चाय वाय अभी नहीं, चाय फिर कभी पीऊंगी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। अब सबको इनवाइट करना है ना, और फिर मंजीशा ने स्टार होटल में किटी पार्टी भी रखी है, वहाँ पर भी जाना है। मैं चलूं? हाँ। मंजू मामी आज स्टार होटल किटी पार्टी में जा रही है। अगर मैं किसी तरह पुनीताई और मलिक को वहाँ बुला लेती हूँ तो सारी सच्चाई अपने आप मामी के सामने आ जाएगी। क्या करूँ? हाँ, मैसेज करती हूँ दोनों को, लेकिन मेरा नंबर तो दोनों के पास है। हाँ हाँ, सिम चेंज। हाय डार्लिंग, ये मेरा नया नंबर है। मैंने तुम्हें अपने फ़ोन से SMS नहीं किया है क्योंकि मेरी वाइफ को मुझ पर शक होने लगा है। तुम भी इस नंबर पर फ़ोन मत करना, SMS का रिप्लाई SMS ही देना मुझे। मैं स्टार होटल के रूम नंबर 502 में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मलिक। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। हाँ। रख दो ना, लेता हूँ। हाय डॉल, मेरे आई बाबा मेरे पास है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने फोन से मैसेज नहीं कर सकती। मैंने तुमसे बात करने के लिए ये नया नंबर लिया है। तुम इस नंबर पर फोन मत करना, SMS का रिप्लाई SMS से ही देना। मुझे अभी इसी वक्त आपसे मिलना है, स्टार होटल रूम नंबर 502 में। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे अरे डार्लिंग, क्या कर रही तुम? अब तो तैयार नहीं हुई। तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है ना? हाँ? जाना तो था लेकिन। अरे लेकिन क्या स्वीटहार्ट, अरे क्या मूड नहीं है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है भाई, तुम्हें तो जाना ही चाहिए। अब मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है, वरना मैं तुम्हारे साथ आता था। आइडिया, एक काम करते हैं, मैं अपनी मीटिंग खत्म करता हूँ, ठीक है? तब तक तुम बर्थडे पार्टी अटेंड करो, और रात को हम दोनों कैंडल लाइट डिनर के लिए चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक, लवली। चलो रेडी हो जाओ, ये दे दो। सॉरी पुनीताई, लेकिन तुम्हें मलिक के चंगुल से छुड़ाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देख सकती, और तुम्हें वहां से वापस लाने के लिए मुझे एक यही ऑप्शन दिख रहा है। ए, उसकी फोटो देखना बंद करा। तुझे कैसे पता मैं उसकी फोटो देख रही हूँ? ये जो तेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन लगा हुआ है ना, उसकी वजह से। सिसी, एक बात बता, तुझे किस टाइप के लड़के पसंद है? जो बकबक कम करें और मेरी ज्यादा सुने। ओ माय गॉड, तब तो तू हमेशा सिंगल ही रहने वाली है, क्योंकि तेरे टाइप के लड़के तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। रहने दे यार, वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे और मेरे टेस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है। आई लाइक इंडिया। इंडिया? ये इंडिया कौन है? बाबी डॉल, इंडिया कोई लड़का नहीं है, ये वो देश है जहाँ मैं और तू पैदा हुए थे। पर वो तो मुझे भी पता है, पर तू
इंडियन लोगों को इतना पसंद क्यों करती है? क्यों मतलब? तुझे पता है इंडिया कितना एक्साइटिंग है, वहां पे लोगों में कितना थ्रिल है, मालूम है तुझे? आज ही बता रही थी मुझे, इंडिया में ना छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, दो दो पांच पांच रुपए के लिए वहां पे लड़ाइयां हो जाती है, और वहां पे घरों में पानी नहीं आता है, घर के बाहर टैप लगे होते हैं, वहां से पानी भर के लाना पड़ता है, जिनके लिए लंबी लाइनें होती हैं। बट ये सब के लिए इंडिया जाने की क्या जरूरत है? ये सब तो टीवी पे भी दिखाते हैं कि इंडिया बहुत खूबसूरत देश है। बाबी डॉल, अगर इंडिया की सही पहचान करनी है ना, उसके लिए इंडिया जाना पड़ता है। जो टीवी पे दिखाते हैं ना, वो नहीं है असली इंडिया। तू कुछ भी बोल, मैं तो एक दिन इंडिया जाके रहूंगी, और तू यहाँ पे बैठ के इसकी फोटो देखते रहना। हाँ देखूंगी, तू मेरे अर्जुन को कुछ मत बोल। ओके, कुछ नहीं बोलती। सिसी, तुझे क्या लगता है अर्जुन मुझे पसंद करता होगा? मतलब उसके पास तो टाइम भी नहीं है कि वो मेरी तरफ देख सके। एक बात बोल, अर्जुन तुझे पसंद करता है? सच में? वैसे वो काफी बिजी रहता है अपने काम में, लेकिन आई एम श्योर एक दिन ये लाइकिंग ना लव में जरूर बदलेगी। Really? वैसे उसे सेट करने का एक तरीका है मेरे पास। कौन सा बताना? तू ना अंकल को फोन कर ले, अंकल उसे कन्विंस कर लेंगे और अर्जुन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, मेरे नाम से यहाँ पे एक रूम बुक है। आई एम मलिक, रूम नंबर 502। कैन आई गेट द की प्लीज? सर, इस रजिस्टर पे साइन कर दीजिए। थैंक यू। अरे पता है, ये बुक करने के लिए मुझे इतना टाइम लगा ना, कैसी जगह? चलो बैठो सब लोग। ओह नो, अब ये यहाँ कहाँ बैठ रही है? ऐसे तो पुनीता ये यहाँ आते ही मामी उसे देख लेगी और सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूँ? ओह गॉड, पुनीताई भी आ गई, अब तो मामी उसे देखेगी देखेगी। हे बप्पा, प्लीज हेल्प मी। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 502। मिस्टर मलिक ऑलरेडी कीज ले जा चुके हैं, जस्ट वन मिनट। हाँ सॉरी आज देर हो गई, वो साइली का साकर पुड़ा है ना, तो बस उसी का इनविटेशन देने में लग गई। अरे कोई बात नहीं, चल आकर बैठ जा। कहाँ हो तुम? बस अभी आया। आ गई हूँ मैं, जल्दी आना। जब तुम चाहो। अर्जुन, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। अर्जुन इस वक्त यहाँ नहीं आ सकता, कितना अच्छा लग रहा है। ओ बुद्धू, ये कोई सपना नहीं है, राइट है, लुक एट मी। मैं दिन भर उसी के बारे में सोचती रहती हूँ कि उसी का असर है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ओवी, ओवी आई एम हियर, लुक एट मी, पीछे देखो। फिर से वही आवाज़।
है यहीं पे। प्लीज पिंच मी अगेन, प्लीज। व्हाट? प्लीज पिंच मी अगेन। आओ। स्ट्रो, तुम यहाँ पे, लेकिन तुम तो 3 दिन बाद आने वाले थे ना, तुम यहाँ पे। ओके, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी आ गया। माइंड इट, ना सारा का सारा काम खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आया। लेकिन तुम यहाँ पे। ओके ओके, ये लेकिन बट बट छोड़ो, सारी की सारी चीजों के लिए कोई समय नहीं। कम है, मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाऊं। कम। रियली? यस रियली। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, यू रिमेंबर? जब मैं वापस आऊंगा तुम जहां जाना चाहोगी वहां पर जाएंगे। पिकनिक, आउटिंग, एनीवेयर यू फील लाइक। तो फिलहाल के लिए, ओह माय गॉड, ये कपड़े तुम पहनती हो, यू डोंट वेयर देम, जस्ट थ्रो देम। तुम एक काम करो, ये सारे के सारे कपड़े निकालो, किसी और को दे दो। तुम फिलहाल के लिए ये पहनो। पर्पल सूट यू। हैंड ओवर, 5 मिनट एंड आई एम वेटिंग। अर्जुन, आई कांट बिलीव दैट यू आर टेकिंग मी आउट फॉर डिनर। Well then believe it, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। तुम भूल जाती हो कि you and me are best friends, and you will not believe आज जो मैंने इतनी बड़ी डील साइन की है, इतनी खुशी मैं किसके साथ मनाऊंगा if not? 5 minutes waiting outside. And please stop dancing. क्या हुआ बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने बुलाया? Of course. तभी तुम्हारा मैसेज आया था ना, उसमें लिखा था कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो। तुमने मुझे मैसेज किया और यहाँ बुलाया? What? मैं पागल हो गई हो तुम? इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा? और वैसे भी तुम्हारी वो बहन की वजह से बहुत क्योस हो गया है। मेरी वाइफ मुझ पर शक करने लगी है। मुझे लग रहा है कहीं तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ खत्म ना हो जाए। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू मीन बाय मेरी वजह से? इस रिलेशन में आना हम दोनों का डिसीजन था, और आपने भी उतना ही इनिशिएटिव लिया था जितना कि मैंने। या आई नो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया, हम दोनों को एक दूसरे से कुछ दिन के लिए नहीं मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, अब हम ये रिलेशनशिप एंड थोड़ी ना करना। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि तुम अपनी बीवी को सब कुछ सच सच बता दो। व्हाट आर यू टॉकिंग, क्या बोल क्या रहे हो तुम? मैं अपनी वाइफ को ये सब क्यों बताऊंगा? और तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी हस्ती खेलती मैरिड लाइफ खत्म कर दूं? और वो भी किसके लिए? तुम्हारे लिए? कौन आओ, कौन तुम? मैं कौन हूं? गर्लफ्रेंड हूं मैं तुम्हारी। जस्ट शट अप। हम दोनों के बीच डील हुई थी, मैं तुम्हें तुम्हारी अय्याशी के लिए पैसे दे रहा था और तुम मुझे वो दे रही थी जो मुझे चाहिए था। दैट्स इट। इनफैक्ट तुमने मुझे यूज किया, मेरा इस्तेमाल किया तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए। उसके लिए मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया, और नहीं तुमने मुझे फोर्स किया। अगर तुम्हारी बहन को सब पता नहीं चलता ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाने में, लेकिन अब नहीं है। अब ये सब कुछ यहीं पे रोकना होगा। दैट्स इट। रुकना होगा? What do you mean by रोकना होगा? तुम समझते क्या हो मुझे? जब चाह रिलेशन बना दिया, जब चाह छोड़ दिया। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ, समझे तुम? मैं एक अच्छे घर से आई हूँ। शट अप। ये अच्छे घर की नसीहत मुझे मत दो। ये अच्छे घर की लड़कियाँ, संस्कारी लड़कियाँ तुम्हारी तरह पैसों के लिए खुद को बेचती नहीं है। क्या कहा तुमने? मैंने अपने आप को बेचा है? हाँ। तुम तो बड़े दूध के दूल्हे बनते हो। तुम भी शादीशुदा हो और तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, समझे तुम? तुम नीच हो। नीच? मैं नीच हूँ ना, तो तुम भी बाजारू हो, बाजारू समझी तुम? अपने शौक पूरे करने के लिए शराफत की सारी हदें पार कर चुके हो तुम। तुम्हारे मुंह से ये शराफत की बातें अच्छी नहीं लगती। और एक बात सुनो, ये रिलेशनशिप में सबसे पहला सिग्नल तुमने मुझे दिया था। तुम्हें चाहिए थी महंगी ज्वेलरी, ये लाइफ स्टाइल, पैसे। चाहिए था मुझे पैसा, चाहिए थे महंगे गिफ्ट। अगर मैं ये सब नहीं करती तो मेरे आई बाबा मेरी शादी किसी मिडिल क्लास मेंटालिटी के मिडिल क्लास लड़के से करा देते। और वो मेरे सपने कभी पूरा नहीं कर पाता, और ना ही मैं उस पूरी की तरह हूँ जो दिन रात मेहनत करके जॉब कर सकूँ। अगर मैंने ये सब किया तो क्या गलत किया? इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करो, समझे तुम? मैं अब भी तुमसे कह रही हूँ, तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, वरना क्या करोगी? वरना तुम्हारे साथ बिताए हुए सारी रातों का हिसाब करना आता है मुझे, समझे तुम?
उस बेटी बड़ी हो गई है। तू है ही इतनी अच्छी पुन्नी कि तेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। भाई तू चिंता मत कर, मेरे नसीब में जो लड़का है उससे मेरी शादी हो जाएगी। अब मेरी लड़की ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकती। मैंने उसे भी संस्कार नहीं दिए। मंजू फोन क्यों नहीं उठा रही है? पुन्नी को ट्राई करता हूं। The number you are trying to call is currently... पुन्नी भी फोन नहीं उठा रही। ये गए कहां दोनों? मंजू तो हाँ, मंजू किटी पार्टी में गई थी। हाँ, उसके किसी फ्रेंड का नंबर से अर्जू से पूर्वी से लेता हूं। हेलो हेलो पूर्वी जी। जी मामा जी। हाँ बाबा जी, यहाँ पे पुन्नी दाई के बारे में सब पता चल गया वहां पे होटल में।